हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं अपने मोगरे की पेड़ देख रही थी। इसमें देखो कितनी सारी कलियाँ आ गई हैं और ये सदाबहार का है। यहाँ पे मम्मी ने केले का पेड़ भी अभी लगाया है। और आज मैं आपको खांडवी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। और कितने लोग बनाते हैं वो भी बताना। इसका सिर्फ माप का ही इसका वो होता है, मेन का चीज़ मतलब माप है। अगर आपका माप सही है ना तो आपकी खांडवी कभी नहीं बिगड़ेगी, बहुत अच्छे से बनती है। 1:3 का माप होता है। आप जिस कटोरी से बेसन लेते हो उसी कटोरी से आप 3 कटोरी आपको छाछ लेनी है और आपकी खांड भी एकदम परफेक्ट मार्केट जैसी बनती है, जैसे कि मेरी बनी थी। मैं आपको दिखाऊंगी, इतनी अच्छी खांड भी बनी बनी बहुत अच्छी बनी थी, सिल्की और शाइनी कह सकते हैं। इसकी शाइन इतनी अच्छी लग रही थी, धैर बोल रहा था मम्मा ये कितनी शाइन कर रही है वो आप लोग देखना। और ये मैंने बेसन और छाछ का जो मेरा माप था वो मैंने पूरा ले लिया है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। आप जैसा तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये तो अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है कौन कैसा खाता है नमक मिर्च का। तो और बस थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, कलर बहुत अच्छा आता है इससे। और बस इसमें कुछ मतलब मेहनत नहीं है, कहेंगे कि घोल हो गया तैयार। अब जो कढ़ाई में जाने के बाद इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लंबी प्रोसेस है। और इनको मतलब मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद है ना, बहुत ज़्यादा पसंद है। बोलते हैं ये चीज़ जो घर पे बनती है ना तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं घर की बनी खा रहा हूँ। अभी तक हमेशा मतलब जब भी मैंने खांडवी बनाई है ये हमेशा यही बोलते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसी लगती है। बोले यही एक चीज़ है जो ऐसा नहीं लगता है कि मैं घर की खा रहा हूँ। और इस बार तो मुझे ही बहुत अच्छी लगी कि मतलब इतनी परफेक्ट बनी थी ना, बहुत अच्छी बनी थी। बस अब मेरा घोल रेडी हो रहा है, फिर इसको मैं कढ़ाई में डालने के बाद छान भी लूँगी। डालने के साथ ही साथ मतलब छन्नी रख के, क्योंकि जो इसमें अदरक और हरी मिर्च का जो भी होगा ना टुकड़े से होंगे कण होंगे वो सब आ जाएंगे और खाली घोल अच्छे से रह जाएगा। क्योंकि वो अगर जाएंगे तो जो से अपने खांडवी को लपेटते हैं ना तो वो नहीं हो पाएगा वो, आप देखना। बस अब घोल तैयारी है मेरा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। तो बस ये है कि एक साथ मैं ना बहुत सारा नहीं बना सकती हूँ क्योंकि टाइम लगता है इसको फैलाने के। टाइम पे अगर आप लेट हो गए ना तो फिर ये ठंडी हो जाएंगी तो बनेंगी नहीं। ये देखिए घोल तैयार हो गया है, अब मैं इसको दिखा रही हूँ। देख ये इसमें खैर कम आ रहा, पर इस तरह से वो अपने को आइडिया आ जाता है ना। और ये मैंने थालियाँ भी रेडी कर ली हैं क्योंकि जब मैं खांडवी बनाने लगूंगी तो मेरे पास टाइम नहीं होगा ना कि मैं थालियाँ लगाऊं, तेल लगाऊं, ये सब मैंने पहले ही से रख लिया था क्योंकि अकेले करना होता है। तो ये अब मैं इसमें छान रही हूँ और इसको मैं इसकी मदद से करूँगी तो जो भी होगा ना वो सब घोल अच्छे से नीचे आ जाएगा। और जो भी टुकड़े होंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दही भी था, दही और वो मिर्ची अदरक लहसुन के जो भी कण होंगे वो सब ऊपर रह जाएंगे। और बस फिर मैं बनाना स्टार्ट हो जाएगा मेरा। इसको मैं देखो दबा दबा के निचोड़ ले रही हूँ, बस अच्छे से ही। खांडवी है ना मार्केट वाली और महंगी भी बहुत मिलती है, सच बताऊँ उतने में कुछ होता नहीं, इतनी महंगी मिलती है ना। इतनी देर में देखो ये मेरा थोड़ा है ना चिपकने सा लगा था जब तक मैंने वो तपेली रखी और कैमरा सेट किया। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ, चलाना बहुत पड़ता है और एक ही साइड चलाने का, मतलब आप लोग जो बनाते होंगे उनको पता होगा कि इसको है ना जैसे अपने आगे पीछे से चलाते हैं ऐसा नहीं करने का, एक ही साइड को चलाते रहने का, तो उससे बोले बहुत अच्छी बनती है। तो वही मैं कर रही हूँ और ये तो काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, मैंने पूरा नहीं बनाया नहीं तो आधे घंटे का वीडियो बनता, आधे घंटा लगा था उसको बनाने में। कुकर में भी लोग बनाते हैं, मैंने कुकर में भी बनाई थी एक बार तो मेरी बहुत अच्छी बन गई थी, दूसरी बार नहीं बनी थी तो फिर मुझे उसको कढ़ाई में ही डालना पड़ा था। इसके लिए मैंने आज कुकर मैं नहीं बनाई है। अगर आप कहोगे या कोई भी ऐसे कमेंट करके पूछेगा तो मैं बनाऊंगी, या फिर या मैं खुद अपनी इच्छा से ही बनाऊंगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कुकर में कैसे बनाते। उसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है, ये जो चलाने वाला काम होता है ना वो नहीं होता। अगर बन गई ना अच्छे से तो बहुत जल्दी वो बनती है, मेरी तो बन गई थी एक बार नहीं बनी थी तो अब डर लगता है। तो अभी देखो इसको काफ़ी चलाना पड़ता है, चला ही रही हूँ मैं। और इनको मैंने बोला कि आप हेल्प कराने आ जाओगे क्योंकि ये थाली चार थाली है, इनको मैं चारों में तो एक साथ नहीं फैला पाऊँगी ना, मुझे टाइम चाहिए, तो ये इन्होंने ना बोल दिया। अब ये मैं चेक कर रही हूँ, यहाँ जरा सा मैंने लगा के चेक किया था तो ये उखड़ने लगा था, मतलब अपने आप
ऊपर आ जाता था, तो इसलिए मैंने अब सब में लगाना स्टार्ट कर दिया फटाफट, क्योंकि ये जरा भी ठंडा हो गया ना तो आपसे फैलेगा नहीं, और फिर खांडवी पतली नहीं बनेगी। खांडवी जितनी पतली बनती ना, वही उसका मेन चीज़ तो वही है, पतली और लेयर वाली, ज़्यादा लेयर बनेंगी। तो कल की खांडवी तो वाकई मेरी बहुत सुपर बनी थी। अब ये मैंने पहली थाली लगाई है, धैर्य को कैमरा दे रखा है फ़ोन, मतलब मैला शूट करो, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, मैं कैसे करती। और जहाँ मैं लगाऊंगी वहाँ से तो कुछ नहीं दिखेगा, मैं ही दिखूंगी शायद। तो अब बस ऐसे ऐसे करके मेरी सारी थालियों में मैं लगा लूँगी, और फिर बस तब तक ये ठंडी भी हो जाएंगी। ठंडी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये और प्लेटफॉर्म पे भी लगा सकती थी, पर मैंने सोचा कि चलो इसमें ही लगा लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं ना कि प्लेटफॉर्म गंद, ऐसा नहीं होता। अगर हमको बिछाना होता है तो हम साफ़ करके ही बिछाते हैं, साफ़ करके उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं ना, तो अच्छे से एक ही बार में हो जाता, बर्तन नहीं बिगड़ते हैं ज़्यादा। पर लोग कमेंट करने लगे कि गंदी जगह होती है, ऐसी जगह का खा लेते हो ऐसा, तो फिर ये भी डर लगता है, तो फिर मैंने नहीं ट्राई किया। नहीं तो उसमें भी फटाफट हो जाता है, नीचे पूरा मतलब कढ़ाई लेके अपने नीचे रख लो और उसमें पूरा इकट्ठा फैला लो फटाफट। ये देखिए मेरी चारों थालियाँ हो गई हैं। अब मैं इसको रूम में लेके आई हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ना खड़े खड़े, मैं भी थक गई थी, मैंने कहा अब मैं बैठ के इसको कट करती हूँ। और आप मानोगे मतलब अभी मानोगे क्या, देख ही लोगे, एक उंगली से मतलब मेरी पूरी खांडवी जितनी परत थी ना, पूरे एक साथ आ रही थी लपेटने के टाइम पे। एक उंगली बस लगानी पड़ती थी, यहाँ शायद थोड़ा तेल कम रहा होगा इसके लिए ये चिपक रही है किनारी की, नहीं तो अभी आप देखना सारी खांडवी इतनी अच्छे से आ गई थी ना, देखो लेयर, और कितनी चमक रही है, शाइन देखो इनकी, धैर्य। मैंने तो बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, धैर्य भी यही बोल रहा था, मम्मा ये कितनी शाइन कर रही है। मैंने कहा हाँ बेटा शाइन तो करेंगी ना। तो बस अब मैं ऐसे सारी मेरी बन जाएंगी, और बस फिर आप लोग भी कभी ट्राई करना और बताना कैसी बनी है। माप इसका यही होता है, बस माप आपका पफ, देखो ऐसा लग रहा है ना जैसे गुलाब का फूल दे रही हूँ ना मैं, येलो कलर का लेयर वाला एकदम मस्त। ये भी देखो कहीं से भी कुछ नहीं होगा, अगर आपका बैटर अच्छा बनेगा, पक्के अच्छे से जाएगी ना, तो आप जैसी देखो लेयर कितनी मस्त लग रही है, फूल लग रहा है पूरा। और ये चार थाली में इतनी खांडवी बनी थी, अब इससे ज़्यादा फिर नहीं बन पाते एक साथ, फिर दोबारा लो माप उतना, या बड़े में लो तो टाइम लगता है बनाने में, जो अकेले नहीं हो पाता है मुझसे, मैं इतना ही बना पाती हूँ एक बार में। और ये मैंने करी पत्ता डाला है, डालूंगी इसमें, और राई डालूंगी, और ये हरी मिर्च है, और थोड़ा सा वो नारियल भी डाला था मैंने कसा हुआ, और तिल, बहुत अच्छा लगता है इनको। चीज़ भी डाल सकते हैं, काफ़ी लोग चीज़ भी डालते हैं, पर हमारे यहाँ पनीर और चीज़ लोगों को मतलब घर में किसी को पसंद नहीं है, तो फिर मैंने नहीं डाला था। और नारियल भी डाला था तो ये बोल रहे थे क्यों नारियल डाला, मैंने बोला अच्छा फ़ोटो लेने के लिए नारियल डाला, बोला हाँ ऐसे ही समझ लो, बोले अब तो ये अच्छा है, पहले फ़ोटो ली जाएगी हर चीज़ की फिर खाने को मिलेगा, मैंने कहा हाँ ये भी है। तो बस अब मैं वघार तैयार कर रही हूँ, मतलब छौंक तैयार कर रही हूँ। मैंने बोला पहले अगर तिल डाल दूंगी ना तो बहुत चिटक जाएंगे, तो पहले मैंने मिर्ची डाली, मिर्ची पक जाएंगी फिर तिल डालूंगी, तिल को पकने में बहुत टाइम नहीं लगता है। और ये देखिए इसमें थोड़ा वघार में है ना तेल थोड़ा ज़्यादा ही रखना पड़ता है, अच्छा लगता है वो, देखो चिपकी नहीं है बिल्कुल भी, और ये ऐसे ही अलग अलग रहती हैं। इनको अगर कढ़ाई में हम डालेंगे ना उल्टे पलटेंगे, मतलब पलटेंगे तो ये इनकी लेयर खुल सकती है, इसके लिए इनका वघार है ना, आप किसी भी बर्तन में रख लो और छोंक तैयार कर लो, उसको ऊपर से ही छोंक डाला जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। देखो कितनी अच्छी लग रही है, एकदम लग रही है ना मार्केट जैसी। और ये मैंने ये नारियल डाल दिया है ऊपर से, बहुत डरते डरते डाल रही थी, मैंने कहा इतनी मेहनत की अगर नहीं खाई ना इन्होंने तो सब बेकार हो जाएगा, तो मैंने जरा सा ही डाला है। और बस ये मेरी खांडवी की वो डिश तैयार हो गई है, आप लोग भी ट्राई करना, आप लोग खा के बताना कैसी बनी है, अच्छी लगी तो कमेंट करना। और यहाँ पे मैं आटा पीस रही हूँ क्योंकि मेरा आटा ख़त्म हो गया, ये देखिए हमारा आटा मेकर है ना घर पे, ये देखो जा रहे हैं ना धीरे धीरे। और ये गेहूँ एक टंकी मैंने पीस ली, मैं 2 डिब्बे भर के पीसती हूँ। तो बस इसी के साथ वीडियो का भी एंड करूँगी, आई होप आपको पसंद आया होगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।